नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्शन लैब की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक वीडियो ये आज मैं बना रहा हूँ, ज़रूरी टॉपिक है। बहुत आप ऑलरेडी जानते होंगे, मोस्ट ऑफ़ यू ऑलरेडी न्यू, कि हमारी बॉडी जो है वो साइकोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से, हमारी मानसिक कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। और ये रिस्पॉन्स जो है ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स के साथ आप समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप एनजाइटी में हैं, अगर आप नर्वस हैं, तो आपको पसीना आएगा, आपकी बॉडी पसीना रिलीज करेगी। अगर आपको डर लग रहा है तो आप बेचैनी महसूस करेंगे, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। अगर आपको गुस्सा आएगा तो कई बार आप ओवर ईटिंग करेंगे, ये आपके डाइट शेड्यूल को डिस्टर्ब कर देती है, मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती है, आप नहीं खाएंगे। अगर आप गिल्ट में हैं तो आप चैन से सो नहीं पाएंगे। अगर आपको कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि हम थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी बात का फ्रस्ट्रेशन है हमारे अंदर, तो हम पूरा दिन जो है हमारा स्किन जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, हम अंडर वेट हो जाएंगे, ओवर वेट हो जाएंगे। ये बहुत सारे ऐसे कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपने कई बार देखे होंगे, कई बार महसूस किए होंगे। और इसके अलावा भी ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है अलग तरीके से, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आपका मूड, जब भी आपका माइंडसेट, साइकोलॉजिकल कंडीशन आपकी अलग होती है, तो आपका इवन जो मोशन है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन ये तक शुरू हो जाता है, गैस्ट्रिक बनना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती है जो साइकोसोमेटिक डिजीज होती है। अब मिड ब्रेन एक्टिवेशन इन सब में कैसे हेल्प कर सकता है, उसके ऊपर ये आज की वीडियो है। देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के अंदर आपको एक बेनिफिट मिलता है, उसकी एक एप्लीकेशन है इमोशनल स्टेबिलिटी। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो ट्रेनिंग प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, उसके अंदर आपको इमोशनल स्टेबिलिटी सिखाई जाती है। इस इमोशनल स्टेबिलिटी के प्रोसेस के अंदर आप सीखते हैं कि किस तरह से आप अपने इमोशंस को मैनेज करें, कंट्रोल करें, किस तरह से आपका जब भी इमोशन अलग तरीके का हो रहा है, जब भी आपके अंदर एक नेगेटिव अनरिसोर्सफुल माइंडसेट है, नेगेटिव माइंडसेट है, ठीक है, मेंटल स्टेट आपकी अलग हो गई है, वहाँ पे आप ऐसा क्या करें कि आपका ब्रेन जो है वो स्टेबल पोजिशन पर रहे। बच्चों में, बड़ों में, सब में ये सिम्टम देखने को मिलता है, चाहे वो वर्क प्रेशर है, चाहे वो एकेडमिक प्रेशर है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इमोशनल डिसेबिलिटीज हमारे साथ होती रहती है, इमोशनल सेटबैक हमें लगते रहते हैं। अब मिड ब्रेन एक्टिवेशन के अंदर हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने इमोशंस को मैनेज करेंगे। इसके इस एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी की वजह से ना कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आप बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे स्किन एलर्जीज होनी स्टार्ट हो जाती हैं एक टाइम के बाद लोगों को, कोई कारण नहीं है उसका, बट ऑटोमेटिक वो जनरेट हो जाती है, दाने निकलने लग जाते हैं, शरीर पे खुजली मचने लग जाती है, सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, आपका वेट ओवर होने लग जाता है, बहुत जल्दी आप कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं फिर भी आपका शरीर वेट गेन करना स्टार्ट कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटिक हो रहे हैं आप। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो इमोशंस की वजह से है, ये हमारा जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनकी वजह से होता है। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो ट्रेनिंग प्रोसेस ब्रेन एक्सलेंस लैब फॉलो करता है, उसमें आपको सिखाया जाता है कैसे आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप फील गुड हार्मोन्स को रिलीज कर सकते हैं अपने अंदर, किस तरह से आप अपने मेंटल स्टेट को अपने काबू में रख सकते हैं। तो चाहे आप कोई बच्चे हैं, स्टूडेंट के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अडल्ट हैं, आप अपने लिए देख रहे हैं, अगर आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन सीखना चाहते हैं तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी वाला पोर्शन भी जरूर सीखिए। सिर्फ आंख बंद करके चीजें देखना, पढ़ना, अपने अंदर की सेंसेस को डेवलप करना, यस, वो डेफिनेटली जरूरी है, मैं उसको मना नहीं करूंगा, लेकिन अडल्ट के केस में स्पेशली, इवन आज के दिन तो मैं कहूँगा 10 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, किड्स के केस में भी इमोशनल स्टेबिलिटी वाला जो एंगल है उसको भी आपके ट्रेनर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, और जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बहुत से रिजल्ट्स हैं, अब वो हमारे ऊपर है कि हम कितना ले सकते हैं उससे, वो तो अथाह सागर है, उसमें से आप कितना पानी ले सकते हैं, कितना रिक्वायरमेंट है, कितनी आपकी भूख है, उतना आपको मिल सकता है। तो आप सिर्फ अपने ट्रेनर से पूछिए आपको ये चाहिए, और मिड ब्रेन एक्टिवेशन उसका जरिया हो सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक मंजिल नहीं है, वो एक रास्ता है जिससे आप अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। तो सही ट्रेनिंग, सही गाइडेंस आपको मिल सकती है ब्रेन एक्सचेंज लैब के अंदर भी। आप जिससे भी सीख रहे हैं वहां से भी बात कीजिए, और अगर हमसे जानना है तो कुछ नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, संपर्क करें, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी कैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन से आप इमोशनल स्टेबिलिटी को ला सकते हैं, बच्चों के अंदर भी, बड़ों के अंदर भी। बच्चा अपसेट हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, नाराज हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे उदास होकर बैठ जाता है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, हेडेक है, स्पाइन में दर्द है, ज़्यादा देर तक इस जगह पे बैठ नहीं पा रहा, ये सब इमोशनल अनस्टेबिलिटी की वजह से हो रहा है।
और ये सब पॉसिबल है मिडबेन एक्टिवेशन ट्रेनिंग के अंदर। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मिडबेन एक्टिवेशन का कोर्स ज्वाइन करें। लाइव नहीं कर सकते हैं, महंगा लगता है, रिकॉर्डेड कोर्स लीजिए, बहुत सस्ता मिल जाता है आपको, ठीक है। जितना भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपको बहुत कम कॉस्ट में हमने बना के दिया हुआ है, आप उस अपने घर पे खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव ट्रेनिंग चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं, हमारी टीम अवेलेबल है। तो आज ही कॉन्टैक्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।